हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे सब। और फाइनली ये है कि आपको पता है कि डेली की व्लॉगिंग करनी पड़ती है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सैलून में व्लॉगिंग की जाए और आपके साथ शेयर की जाए। तो मेरी एक क्लाइंट हैं जिनके बालों का बहुत मसला है और उनके बाल बहुत डैमेज हुए हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं उनके बालों के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। समझ रहे हो ना? तो इंशाल्लाह इनसे आपको मिलवाते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और तबीयत वगैरह तो ठीक है आपकी? क्या हो गया आपके बालों को? बालों के जब से मेरी ये ऑपरेशन वगैरह हुआ तो बालों की दवाइयों की वजह से बाल और भी ज्यादा डैमेज हो गए, खराब हो गए। तो आज मैं आपके पास आई हूँ अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। चलें देखते हैं, अल्लाह ताला मेरे बाल बेहतर और अच्छे हो गए। आमीन आमीन। चलें देखते हैं, लेट्स सी कि हम आपके बालों के साथ क्या कर सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये हाल है इनके बालों का। देखें, बिल्कुल गिराए गिराए जैसी बन गई हैं। देख रहे हैं आप, लेट्स सी क्या हाल हो गया इनके बालों का। कौन सी मेडिसिन यूज की थी आपने? एंटीबायोटिक। ये हाल हो गया। अब देखते हैं हम इनके बालों का ट्रीट किस तरह करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इनको वॉश दिया, हाँ शैम्पू वॉश दिया है, ताकि इनके बाल इजीली खुलें। तो आई होप सो कि इनके बाल इजीली खुल जाए। क्या सीन है? वाह क्या सीन है! सो फाइनली अब मैं इस पर काम कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रही हैं इनके नीचे के बाल सुलझना स्टार्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसका, हम स्नान करेंगे। मारो पानी, नीचे है वाला पाँच पकड़। बस देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस आप देख सकते हैं, आगे जो रहे लोग इनके सारे बाल उतर चुके हैं, क्योंकि इनके बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, इस वजह से इनको घर जाना पड़ा। यहाँ पे हमारी हसस के बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि बहुत हमें क्या कर रही है, हंसा रही है। और मुंह से असर निकला इनका। मुंह इनका था वैसे ही, लेकिन असर भी बहुत खूबसूरत निकला, बचपन में निकला था। सो गाइस आप भी दुआ कीजिएगा इनके बाल अच्छे से आ जाए। गाइस यहाँ पे बहुत ओवर मजाक मस्ती हो रही है, तो आपके साथ शेयर करते हैं क्यों मजाक मस्ती हो रही है। देखिए गाइस, ये हमने कारनामा किया है। इनके बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, बिल्कुल एक्सपायर हो गया था इनका हेयर। तो इस वजह से हमने इनको शक्ल नहीं दिखा सकते हम आपको, लेकिन इनको बहुत हवा लग गई है सर पे, तो ये इंतहा की हद से ज्यादा मजाक मस्ती में होता है। गाइस फाइनली इनके बाल ठीक नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने ये कर दिया इनके सर पे। ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे घर में एक रजनीकांत आ गया है, जिसके बाल बिल्कुल भी नहीं है, और एक कचनी आके, ये कचनी वाला लेवल है। हाय, सो गाइस इनको हमने एक्सटेंशन दे दी है, और ये एक्सटेंशन देखे हमने इनको अप्लाई की है। अब लोग देख के जलेंगे कि इनके बाल बहुत अच्छे हो गए। थैंक। Our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. मुतमईन हूँ मैं। सेटिस्फाइड है आप? बहुत ज्यादा। आएंगी दोबारा इन सारे 15 डेज के बाद। अच्छा, फिर मैं आऊंगी। और दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे जी? दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे?
मैं यही करूँगी कि अगर आपने आना है तो यहाँ आके सर्वे करें पॉलर में आके, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी अच्छा है, फेशियल का रिजल्ट भी अच्छा है, क्लीजिंग का भी रिजल्ट अच्छा है। आए और आके यहाँ पर अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट जो भी काम है यहाँ करवाएं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मिलते हैं अच्छाई के साथ दोबारा। तो ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, मैं थोड़ा चंपी वम्पी करा के आई हूँ अपनी सैलून से, ऑयलिंग वगैरह करवा के, तो अजीब सी हालत हो रही है। तो बस अब रेडी होते हैं, घर की तरफ आ गई हूँ सैलून से अपने, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करते हैं। ग्रॉसरी के लिए जाना है मैंने, तो मैं ग्रॉसरी पर आपको ज्वाइन करती हूँ इंशाल्लाह। टेक केयर। सो फाइनली गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बस निकलने की तैयारी है। मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी के लिए, तो वहाँ जाके आपको ज्वाइन करते हैं। लेट्स सी आई एम गोइंग। आ चुके हैं, हमने यहाँ से ट्रॉली ले ली है, अब हम लोग से अंदर एंटर हो रहे हैं। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। ये यहाँ का एंट्रेंस है, बहुत देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। शुक्र है आज रश कम है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब हम नीचे के बेसमेंट में जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। फाइनली हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का घर का सामान लेना है, तो बेसमेंट स्टोर में सब कुछ मिलता है यहाँ पर। कौन से साबुन लेने हैं? डिटॉल नहीं तो सेफगार्ड, सेफगार्ड नहीं, सेफगार्ड बेस्ट है। हाँ, या पर लाइफ ऑयल। मुझे सेफगार्ड कहीं पे भी
अच्छे मिलते हैं। ये ऑयल्स हैं यहाँ पे सारे, देख सकते हैं कुकिंग ऑयल। और ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम क्या कहते हैं कि हमें 30 मिनट्स तो इधर ही लग जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, फाइनली आई एम कम बैक टू होम। हाँ, घर पे आ गई हूँ मैं, तो शेयर करते हैं कि क्या ग्रॉसरी की हमने वहाँ पर। फाइनली गाइस, देख सकते हैं आपके मैंने क्या कुछ शॉपिंग की है, बस यही समथिंग कुछ है। तो गाइस मेरी ग्रॉसरी हो गई है और हम लोग भी घर पर आ गए, तो अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे पूरे दिन की रूटीन के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रेड बटन को क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि मेरे सारे ऑल व्लॉग्स आपके पास आए। तो मुझे इतना प्यार देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।